जनपद के थाना नौजिल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर लिफाफा गैंग द्वारा किसान के लूटे जाने की घटना सामने आई है। या यूं कहें कि जनपद में लूट और चोरी की वारदातों में पिछले काफी समय में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। आए दिन जनपद में हो रही लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बताते चलें कि पड़ोसी जनपद के गांव गौरोला निवासी मुंशी बुधवार को अपने निकटवर्ती जनपद मथुरा के कस्बा बाजना में पशु पेंट से भैंस खरीदने और गांव के निकट से गुजर रही यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते आ रहे थे। तभी वाहन के इंतजार में खड़े मुंशी के पास एक गाड़ी आकर रुकी और पूछा कि कहां जाना है, और किसान मुंशी को गाड़ी में बिठा लिया। थोड़ी दूर निकलने पर ही चेकिंग होने की बात कहकर गाड़ी में बैठी सवारियों की तलाशी ली, जिसमें मुंशी के पास भैंस लेने के लिए रखे 90,000 रुपए मिलते ही किसान को गाड़ी से बाहर उतारकर नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। लुटा पिटा किसान अपने साथ हुई घटना को देखकर हक्का बक्का रह गया। किसान ने आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों के सहयोग से पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंचती, तब तक बदमाश काफी दूर निकल चुके थे। अपने साथ हुई इस घटना के संदर्भ में किसान मुंशी ने जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मुंशी है। कहाँ के रहने वाले हो? गौरोला थे। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? घटना भाई साहब, काम थे, हम चले तो भैंस लिया, हमें एक आध दो बाकरी मिल जाता जी बांधने की पेंट के लिए जी। हम हाईवे पे आए गए जी। हाईवे पे हम तीनों बाप बेटा जब हम ठहरे है गए, एक ऐसी गाड़ी सफेद सी वन बराबर लगा थे, कहाँ जाओगे? हम बांधने जाएंगे घर साहब। हम एक तो नबको नीचे को वही और हम बैठ गए तरा ऊपर से ही आगे चल के जज साहब के तुम पर गांजे पुड़िया तो नहीं है? हमने गिर हम पे ना हम फपी में यूँ कर करा के टटो टटा के एक अपने संकेत ही कही वाले तो पे तो ना है नाम और ना के पैसा आने। कितने कितने रुपए की लूट हुई है आपके साथ? 90,000 की लूट हुई है। पहचान नहीं पाए आप किसी को? ना साहब, हम ना पहचान। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना साहब चांदपुर के ने दी, हम पर मोबाइल फवा लो। मारपीट भी की आपके साथ? मारपीट करी साहब, दो एक मूसा लग गए।